Now we are in the third part. Fx is given as 4x minus 1 by 2x square. Take the derivative. Derivative क्या रहेगा इसका 4x का 4. सेकेंड वाली वैल्यू का माइनस 1 बाय 2 तो आना ही है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 गया, सो यू गेट 4 माइनस एक्स. अब 4 माइनस एक्स को इक्वल टू 0 रखोगे, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखोगे, 0 के, सो यू वुड गेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4. माइनस से माइनस किया सो यू वुड गेट एक्स एज 4. एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4 आई है. सो हमारे पास तीन पॉइंट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है 4, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स कितने पे, 4 पे. इंटरवल क्या है, माइनस 2 एंड 9 बाय 2. अब उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकाल देना. सो 4 पुट करोगे एफ ऑफ एक्स में तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 4 माइनस हाफ, 4 का स्क्वायर इज 16, सो 2 से 16 गया 8, 4 इंटू 4 इज 16, 16 माइनस 8 इज 8. माइनस 2 पुट करोगे सो यू हैव इज 4 इंटू माइनस 2, माइनस हाफ इज देव, माइनस 2 का स्क्वायर इज देव. पहली वाली वैल्यू आती है आपकी माइनस 8, देन यू वुड हैव इज 4 आ गया ना, 4 और 2 को डिवाइड करना है तो 2 माइनस 10 इज देव. सेकेंड वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, माइनस 10. नेक्स्ट वैल्यू में आपने क्या पुट करना है, यू नीड टू पुट 9 बाय 2. सो 4 इंटू 9 बाय 2 इज देव, 4 इज देव, एक्स की जगह 9 बाय 2 पुट करोगे, देन हाफ इज देव और एक्स की जगह 9 बाय 2 पुट करोगे, सो यू हैव इज 2 से 4 कैंसिल, 2 हो गया, 18 रह गया. वी हैव 18 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 8. सिंप्लीफाइंग दिस यू वुड गेट अ डेसिमल, और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, 7.875. सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारा किस पे है, इट इज एट 4, और मिनिमम कितना है हमारा, इट इज एट माइनस 2. सो दोनों वैल्यूज आपके सामने है, एक्स इज इक्वल टू 4 पे आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है और माइनस 2 पे आपका एब्सोल्यूट मिनिमम दिख रहा है.